सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि सैमसंग के रिसेंटली जो कि हमें A52s और M52 डिवाइसेस देखने को मिलते थे, वो काफी एक अच्छे डिवाइस देखने को मिलते थे। बट अब जो है सैमसंग एक और नया डिवाइस प्लान कर रहा है M सीरीज का, जिसका नाम आपको देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M53, जो कि हमें 5G देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। तो अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो बेसिकली ये जो स्मार्टफोन है वो आपको काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन में हमें देखने को मिल जाता है। इसकी जो काफी अच्छी लीक्स निकल कर आई है, जहां पर इसके जो बताया जा रहा है इसका जो डिजाइन और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहां पर अगर बात करें डिजाइन के बारे में, तो यहां पर सबसे पहले अगर देखें डिस्प्ले, तो यहां पर आपको 6.7 इंच की एक सुपर एमोलेड स्क्रीन प्लस डिस्प्ले हमें इसमें देखने को मिलेगी विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट के साथ। और यहां पर आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले वाइज तो काफी अच्छा यह स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके कलर्स आपको काफी ब्राइट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगी। तो स्मूथेस्ट लेवल टू 120 Hz के साथ काफी आपको एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। और वहीं पर अगर बात करें स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको देखने को मिलता है M52 में। वैसा ही इसका जो डिजाइन आपको काफी हद तक आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, और फ्रंट साइड में एक पंचोल कैमरा देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज काफी एक अच्छा स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है। और वहीं पर अगर बात करें स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पर आपको जो है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला कोई स्नैपड्रैगन 7 सीरीज का हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 778G नहीं देखने को मिलेगा, कुछ उससे अच्छा आपको यहां पर प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। और यहां पर आपको 6GB रैम और एक 8GB रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग अगर इसमें स्नैपड्रैगन 778G आता है तो काफी अच्छी परफॉर्म करेगा। बट इस बार जो है सैमसंग ये बता रही है कि इसमें आपको उससे भी अच्छा प्रोसेसर हमें इसमें देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी इस डिवाइस की आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और वहीं पर अगर बात करें स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में, तो यहां पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका जो मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का। और यहाँ पर आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, और एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा। बात करें वीडियो रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पर आपको 4K at 30 FPS की वीडियो रेजोल्यूशन हमें इसमें देखने को मिलेगी। और वहीं पर अगर बात करें स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, और इसकी भी आपको वीडियो रेजोल्यूशन 4K at 30 FPS देखने को मिलेगी। तो कैमरा क्वालिटी वाइज OIS के साथ इसमें आपको काफी अच्छी और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में काफी हेल्पफुल करेगा। और वहीं पर बात करें स्मार्टफोन के बैटरी लाइफ के बारे में, तो यहां पर आपको 6000mAh की लार्ज बैटरी लाइफ देखने को मिल सकती है, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 25W चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी। तो यहां पर बैटरी क्वालिटी भी इस डिवाइस की आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। सो ये देखो स्पेसिफिकेशन जो कि हमें सैमसंग गैलेक्सी M53 5G की देखने को मिलती है। बात करें स्मार्टफोन के प्राइस और इसकी लॉन्च डेट के बारे में, तो प्राइस की अगर हम बात करें तो ये जो डिवाइस है आपको अंडर 30K में देखने को मिल सकता है, यानी कि इसका जो प्राइस है वो आपको 30,000 के अंडर देखने को मिलेगा। लॉन्च डेट की अगर हम बात करें, तो ये जो डिवाइस आपको जब S22 लॉन्च होगा उसके बाद इसकी आपको लॉन्च देखने को मिल सकती है। तो क्या इस डिवाइस के लिए आपको वेट करना चाहिए, तो डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा डिवाइस देखने को मिल जाता है, एक लेटेस्ट डिवाइस आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपने प्लान किया था एक अच्छा डिवाइस बाय करने का सैमसंग की तरफ से, तो आप इस डिवाइस के लिए जरूर से वेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर करना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।